76 हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? जैसे हमने देखा सबके बीच में आपने मीडिया के साथ स्पेशली सेलिब्रेट किया। जी वो मतलब एक्चुअली सच बताओ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी मतलब जैसे मैंने कहा कि 10 साल अभी इंडिया में रह के हो चुका है मेरा, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आप सब लोगों के साथ मतलब मीडिया वाले लोगों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करूँगी। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपना चाइल्डहुड ड्रीम के लिए आई हूँ जो बॉलीवुड है, और मैं आई हूँ और आप सब लोगों ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा तरीके से मतलब रह गए। मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिला है आप लोगों से, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस स्पेशल दिन में मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो एक्चुअली कि मुझे ये मौका मिला है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सीधा बोला कि जी मैं ज़रूर आऊँगी और मैं ये करूँगी आप लोगों के साथ। जी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि दैट इट फील्स रियली प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री इंडिया। दुनिया में कहीं भी जाओ हमें एक अलग सी इम्पोर्टेंस, एक अलग सी रिस्पेक्ट और एक अलग सी जगह मिलती है हमारे रिच कल्चर की वजह से, हमारी अपब्रिंगिंग्स की वजह से, हमारे अचीवमेंट्स की वजह से। सो आई थिंक इंडिया हर जगह धूम मचा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक एली, यू नो, दे आर सो इन लव विद दिस कंट्री, इट फील्स ऑल द मोर प्राउड। प्लस हम लोग बचपन में ना स्कूल में ऐसे सेलिब्रेट करते थे, ध्वजारोहण, फिर लड्डू, एंड कोई माइक पे बात कर रहा है हम सुन रहे हैं। सो इट जस्ट फील्स सो लवली। मुझे आज आप सबके साथ, आप लोग सब सुबह सुबह हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर है, इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। सो जस्ट फील्स ग्रेट ऑन दिस ड्रिजलिंग डे, enjoying this lovely day with Ali and all of you, and all the best to Ritesh for organizing this. That's it, I and think. also independence day har saal hum kuch naya karte hain, to is saal aap kya naya dekhna chahte ho, aap log agar us bare mein kuch bataye, ya fir hamare desh ke liye koi agar resolution lena chahe aap log agar us bare mein kuch mera actually is saal maine ek naya travel show स्टार्ट किया है, इंडिया विद एली, इट्स देयर ऑन यूट्यूब। बिकॉज जैसे मैं इंडिया में आई हूँ, मेरा वो मतलब चलो बॉलीवुड इज़ देयर लाइक अ ड्रीम, बट बचपन से आई ऑलवेज हैड सो मच ऑफ लव फॉर इंडिया, मतलब सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये मतलब इंडिया मेरी आँखों में एक बहुत एक्सॉटिक कंट्री है, यू नो, और मुझे हर स्टेट को देखना है क्योंकि मैंने इतना जितना मैंने ऑलरेडी देखा है, मतलब हर स्टेट में अलग लैंग्वेज होता है, अलग फूड कल्चर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग कपड़े का मटेरियल एंड यू नो वे ऑफ वेयरिंग, यू नो लाइक देयर इज सो मच, और मुझे ये सारे चीज़ें मतलब देखना है, डिस्कवर करना है, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सो एंड वो मतलब वक्त मिला नहीं मुझे, लेकिन अब वो वक्त मतलब मैं क्रिएट कर रही हूँ, मतलब आई एम रिमूविंग दैट टाइम, सो टुगेदर विद दिस ट्रैवल शो। एंड आई रिसेंटली दिस ईयर डिस्कवर्ड कश्मीर, विच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई दिस ड्रीम लिस्ट कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू सी कश्मीर। मैंने इतना सुना कश्मीर के बारे में, जैसे मैं इंडिया में आई हूँ लोग मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कश्मीरी लगते हो, तो मेरी दिमाग में वो बहुत ऐसे बैठ गए, और मैं वहीं पे गया, एंड ट्रूली इट इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ, मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल वहाँ पे, वो पूरा सीनरी जो है, द नेचर, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब प्योर हार्टेड है, सच काइंड पीपल, द कल्चर देयर आल्सो सो डिफरेंट। सो And now there's another state which I'm discovering. I will not reveal it yet. Okay. Yes. And which is very, very different. So Kerala? Nahi. Achha, it's okay. Somewhere else. So, but wohi hai mera naya. Ki matlab, I want to meet again, samjho, 10 saal ke baad. And I will say ki maine pura India ko dekh liya. You know? Yeah.
सो दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड आई वॉन्ट टू डू. जैसे मैंने पहले से भी कहा कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, मतलब बहुत सारा नॉलेज है यहीं पर जो मैं देख रही हूँ कि वेस्टर्न कल्चर में हम अभी मतलब धीरे धीरे ऐसे सीखते हैं. वी आर लाइक लर्निंग अबाउट योगा, मेडिटेशन, द फूड कल्चर्स जो आयुर्वेदा में सिखाते हैं कि वॉट इज़ गुड टू कम्बाइन, वॉट इज़ हेल्दी फॉर यू नो योर सिस्टम, योर हेल्थ एंड सो मच, एंड ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम इंडिया, यू नो. सो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री एंड वी शुड मेंटेन दिस नॉलेज एंड नॉट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी प्रेशियस. या आई कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एक्चुअली जो मैंने डिस्कवर किया है, बट देन वी विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड या जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो जैसे इंडियन अटायर हम नहीं भूल सकते हैं, तो आपको कितना पसंद है जैसे इंडियन अटायर? इंडियन कपड़े, अरे मुझे बहुत पसंद है. I keep on wearing Indian clothes. I love wearing like jhumkas, like I love your jhumkas that you're wearing. I forgot mine today, this morning. Bindi, ye sare cheeze, matlab itna, it's so beautiful. And I feel ki every woman looks so beautiful in Indian attires. Truly, Western kapde mein, it does not really enhance the beauty of a woman as much as Indian attires does. So, yeah. Independence Day ka mauka, agar कोई गाना हो जाए आप दोनों की आवाज में, गाना हो जाए ऑडियंस के लिए. ओह माय गॉड, सिंग समथिंग. आपकी नजरों से इंडिया को देख के, यू नो, इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस. इनफैक्ट इन ऑल द इंडियंस दे शुड वॉच द शो एंड वी शुड जस्ट सी द वे शी लुक्स एट आवर कंट्री. आई मीन इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल द इंडियंस हु जस्ट कीप running abroad after finishing their studies. Yeah, and you know, I keep having many times conversations. I know, kabhi kabhi jab kuch matlab samjho bura hota hai or something, wo har desh mein hota hai, wo to hota hai. So I know bahut baar aisi in different films I've worked in and we've had these group chats and people have just been talking very like in a frustrated way regarding different things. I've always been saying ki it's not only in India. Obviously. It happens even in Sweden or in other countries. Yeah, let's not be so cruel to your own country because there's so much of beauty to see as well, to discover as well and to be proud of. Truly. And to focus more on. Aur jo bhi bura hota hai, matlab uska kuch kar lo. Work on that, fight against that or like unite together, right? But don't forget the beautiful things, you know, don't only focus on the negative things, which is there part of life as well, right? There are so many times we focus on negative things rather than focusing on the positive things. So yeah, I love the way you think. I mean, and I you're truly a true ambassador of India. I love India I so must much. Say that. Yeah. And I'm a big Krishna follower. Oh, I love Radhe Krishna. Krishna Bhagwan a lot. Yes. Wow. Yes. क्या बात. एक लास्टली हो जाए गाना. हाँ गाना आप हाँ चाहो. I wish I haven't learned the क्या बोलते हैं. I had learned the anthem, but I sometimes I get anxious कि मैं कुछ गलत बोलूँगी. तो हम वंदे मातरम गाते हैं. Don't sing it. You know. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम. Beautiful. Wow. So that's India. Thank you so much. तो आप हाँ पूछे थे. हाँ नहीं आप पूछो, फिर वो आंसर देते हैं. रेखा जी, 76th ईयर जो इंडिपेंडेंस की कंप्लीट हो गए जी, 77th ईयर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताइए, और 77th ईयर जो नया साल हमारे देश में होने वाला है इंडिपेंडेंस के लिए. सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और हम सबको पता है जैसे कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मैं चाहूँगी कि अभी भी कहे,
और अभी राइट नाउ ना इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली यंगस्टर्स की है. आपको पता है अभी इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. बट द बेस्ट पार्ट इज यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. तो मुझे लगता है हम सब यंगस्टर्स को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वापस से हम सोने की चिड़िया बन पाए और यू नो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर स्पेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन. हाँ, तो मैं तो देखिए बहुत कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी और मैं हमेशा परफॉर्मेंस देती थी. आपको पता है स्कूल में जैसे कि सुबह सुबह 7:30-8 बजे आपको पहुँचना होता है और आपको यू नो परफॉर्मेंस देनी होती. तो मैं मोस्टली डांस या सिंगिंग करती थी और बस वो उसका हाईलाइट पॉइंट होता था जब हमको वो लड्डू मिलते थे. तो आई थिंक आज भी मैं सिर्फ लड्डू के लिए ही आई हूँ. और रेखा जी क्या चेंजेस देखना चाहती है? जैसे मैंने कहा कि 77th ईयर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, क्या चेंजेस देखती है आप? जैसे आपने पॉपुलेशन तो कहा है जी, क्या मैं यही चाहूँगी कि पॉपुलेशन, अभी इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, अभी इसका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे इंडिया में अभी मोस्टली जितने भी लोग हैं वो यंगस्टर्स है. हमारा आई थिंक 45-55 से भी ऊपर परसेंटेज यंगस्टर्स का है. तो मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर्स बहुत मेहनत करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए और यू नो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर कमिंग जनरेशन. लास्टली कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर? आप भी गाएंगे मेरे साथ राकेश जी? कौन सा गाएंगे बताइए? ए मेरे वतन के लोगों, चलिए 5, 6, 7 गो. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जैन जैन. विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जस्ट वन मैसेज टू एवरीबॉडी दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री. एंड आई थिंक जब सब लोग साथ में बैठते हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार में भाई बहन माँ बाप साथ में होते हैं, वैसे एक इंडिया इज़ अ प्लेस वेर एन आई थिंक ऑल द कल्चर, ऑल द नेशंस, एवरीबॉडी इज सिटिंग टुगेदर. सो आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टुडे. एन्जॉय, बी सेफ, बी गुड एंड बी गुड टू स्पेशली एनिमल्स. दैट्स व्हाट क्वेश्चन कैसे मतलब सेलिब्रेट कर रही है आज? हाँ, जैसे कि सभी को पता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो आज़ादी जिस मुश्किल से मिली है वो सब जानते हैं, हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस यहाँ पर हम एक बात पर, सिर्फ एक पॉइंट पर जोर देना चाहते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात जो है वो अधिकारों से ऊपर रखी गई है. हमें संविधान से 6 अधिकार मिले हैं मूल रूप से, लेकिन कर्तव्य मिले हैं 10. तो यदि हर इंसान अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाएगा तो किसी को अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी. तो सभी लोग शांतिपूर्वक इस आज़ादी का मान रखें, बस इतना ही कहना है. धन्यवाद.